अच्छा जी बेटा, आज हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 जो है मैंने फाइनलाइज किया था, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 4 हमारे पास लैंड एंड क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। चैप्टर नंबर 4 का बेटा ये नाम है। अच्छा, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं, पूरा चैप्टर है तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से भी कुछ क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और बाकी जो है जिस नॉलेज के लिए या एमसीक्यूज वगैरह के लिए पूछा जाता है। नंबर 1 जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, या इसी से मिलता जुलता आता है नेबरिंग कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। एंड लोकेशन, लोकेशन ये लोकेटेड कि कहां पर ये लोकेट है। और इसके अंदर एक जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है वो आता है आपके पास पोल्यूशन एंड स्ट्राइक, ठीक है जी। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 के, जो आप लोगों से पूछे जाते हैं पेपर्स में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है जो अक्सर आपको जो है वो नजर आएगा। हाँ जी, नेशनल नहीं नहीं, नहीं। स्टार्ट करें भाई, अल्लाह का नाम लेके। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है जी।
अच्छा ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को अगर हम इस क्वेश्चन हमारे पास आता है फॉर एग्जांपल, या सिर्फ यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है जो इसके साथ मिलके बनता है, तो आप इसका आंसर किस तरह देंगे? पहली चीज तो ये भाई अपने जहन में जो है छोटा सा स्केच बनाए और उस स्केच में ये देखें भाई ये पाकिस्तान है, क्या ये पाकिस्तान है? ये पाकिस्तान का ईस्ट है, ये पाकिस्तान का वेस्ट है, ये पाकिस्तान का नॉर्थ, ये साउथ। एक लोकेशन और भी बनती है आप लोगों की इस तरह से, ठीक है जी। पाकिस्तान के ईस्ट में हम देखें तो पाकिस्तान के ईस्ट में कौन है? इंडिया। पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन है भाई? चाइना। पाकिस्तान के वेस्ट टू इधर तक आता है आपका अफगानिस्तान, और यहां आता है आपका ईरान, और यहां आता है आपका अरेबियन सी। अजान और बात करो, तो भाई ये आ गया आपके पास। अच्छा अगर ये आपके पास आ जाए, अभी भी आपका ना तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये क्वेश्चन आपको कब कंप्लीट होगा? जब आप ज्योग्राफिकल लोकेशन बताएं पाकिस्तान की, नेबरिंग कंट्रीज बताएं और साथ में उसकी इंपोर्टेंस बताएं। आपको पता है चैप्टर नंबर 4 के फर्स्ट पेज के ऊपर आपको पाकिस्तान की छोटी सी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि पाकिस्तान की ये कंट्रीज पाकिस्तान के साथ बिलोंग करते हैं, ये इनके साथ मौजूद है। दूसरी चीज आपके साथ क्या मौजूद है कि दूसरे पेज पे इंपॉर्टेंस, ये क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की या दूसरी कंट्रीज की पाकिस्तान के साथ, ये हो गया यहाँ तक। अच्छा जी, अब आपका जो सवाल कंप्लीट होता है वो क्या होता है? साथ में आपको इनकी बाउंड्रीज बतानी है जो बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ अटैच होती। नंबर वन, अगर हम इंडिया की बाउंड्री देखें 1610 किलोमीटर है, ठीक है जी। चाइना की देखें तो 558 किलोमीटर है। अफगानिस्तान की देखें हम लोग तो 2252 किलोमीटर है। अगर हम ईरान की देखें तो 800 किलोमीटर है। अरेबियन सी देखें तो 1010 किलोमीटर अरेबियन सी की आपके पास जो है वो रेंज बनती है या बाउंड्री बनती है। अगर आप इस तरीके से करके जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस तरह नहीं, बकायदा आप लिखेंगे भाई ये पाकिस्तान जो है वो आपका साउथ एशियन कंट्री है, पाकिस्तान के अराउंड जो है वो चार जो है वो कंट्रीज मौजूद हैं, और इंडिया जो है वो ईस्ट में है, चाइना नॉर्थ में है, अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के वेस्ट में है, और ईरान जो है पाकिस्तान के साउथ वेस्ट में है। ये साउथ वेस्ट एरिया कहलाता है, और पाकिस्तान के साउथ में क्या है? अरेबियन सी, और इनकी ये बाउंड्री है। आपका ये वाला सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको इस सवाल के चार नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है जी। और इसमें क्या बताना है, मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आप लोगों को ज्योग्राफिकल लोकेशन, मतलब पहले आपको पूरी चीज ये बतानी है, बताने के बाद साथ में आपको इट्स इंपॉर्टेंस जो कि चैप्टर नंबर 4 के सेकंड पेज के ऊपर लिखी हुई है, पाकिस्तान के महले वकू की अहमियत उर्दू में और इंग्लिश में, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसी चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका पॉल्यूशन। पॉल्यूशन किसे कहते हैं, या आलूदगी किसे कहते हैं, और आलूदगी की इकसाम बताएं। आलूदगी क्या होती है, आलूदगी क्या होती है, आलूदगी मतलब होती है गंदगी या किसी चीज को गंदा करना। और आलूदगी की तीन इकसाम है, कौन कौन सी इकसाम है भाई, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और लैंड पॉल्यूशन। एयर को कौन सी चीज पॉल्यूट करती है, धुआं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, ठीक है जी। और इसके अलावा जो लोग होते हैं वो कचरा वगैरह जला देते हैं, ये भी क्या करते हैं, एयर को पॉल्यूट करते हैं। उसके अलावा लोग दरख्तों को काट देते हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर में ज्यादा हो जाती है, एयर पॉल्यूशन हो जाती है। वाटर पॉल्यूशन मतलब फैक्ट्रियों का, घरों का मुजिर जो है वो पानी जो है वो दरियाओं में, पानी में, समंदर में शामिल होना, वो वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। उसके बाद लैंड पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन मतलब बार बार जमीन को खोदना, जमीन में कचरा डाल देना, जिसकी वजह से क्या होता है, जमीन के अंदर पॉल्यूशन हो जाती है, जिससे पेड़ पौधे नहीं उग पाते, जमीन के जो अपने जो एक चिपक होती है वो खत्म हो जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, लैंड पॉल्यूशन। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट भाई, हाउ मेनी रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, दीपशा 2,
कौन कौन सी है? नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स, दो आपकी रिसोर्सेज हैं, एक जाती है नेचुरल और दूसरी जाती है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन भी उनको के लिए एक रिसोर्स होती है। रिसोर्स का मतलब क्या है? जिससे आप फायदा उठा सकते। फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री है, कोई मुल्क है, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, उसमें ऑयल गैस पेट्रोल नहीं है, तो वो क्या अपनी जिंदगी गुजारे? क्या करना पड़ेगा भाई? वो अपने इंसानों के जरिए अपनी रिसोर्सेज को पूरे तरीके से अदा करेगा, उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। इसमें आप इंसानों के जरिए किसी चीज को काम करते हैं, किसी चीज का काम करते हैं, उसको हम इंसानी रिसोर्सेज कहते हैं। आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है चाइना। चाइना एक बहुत बड़ी मिसाल है आपके सामने। चाइना वो मिसाल है जिसमें क्या बताया कि वहां पर तो नेचर रिसोर्सेज से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज पर जो ज्यादा काम होता है, वहां पर इंसानियत से जो इंसान से जो काम किया जाता है उसमें से काम नहीं किया जाता। क्या मतलब? जैसे उनको किसी चीज की कमी है, वो अपनी गाड़ियां थोक के साथ चला सकते हैं, अपने रोबोट थोक के साथ, लेकिन क्या वो इंसानी वसाइल से ज्यादा वो क्या करते हैं? यही तो इंसानी वसाइल का सबसे ज्यादा वहां पर आज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट आते हैं आपका नेचुरल रिसोर्स। सऊदी अरब, सऊदी अरब में क्या नेचुरल रिसोर्स है? ऑयल या पेट्रोल वगैरह वहां पर निकलता है, वो नेचुरल रिसोर्स है। आपके पास एक सवाल आता है, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 5। आपको पता है नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज को अपन डील किया जाता है। आप अगर फॉरेन कंट्रीज की वीडियो अक्सर देखते हो फेसबुक वगैरह पे, वहां पे सीमेंट की मशीन बना ली है और छतों पर सीमेंट की जो मशीन डालती है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है? खुद इंसान बना रहे हैं सीमेंट और छत बनाई भी कौन कर रहे हैं? इंसान कर रहे हैं। ये मशीनों से ज्यादा इंसान से ज्यादा काम किया जाता है। पाकिस्तान में भी ह्यूमन रिसोर्स पर जो ज्यादा पाकिस्तान आपका सवाल आ सकता है, मार्बल या आपने लिख दिया, लिखने के बाद आप साथ में इसकी लोकेशन बता देंगे।
भाई जिप्सम यहाँ से निकलता है बलोचिस्तान से, मार्बल बलोचिस्तान और सिंध से निकलता है, कोयला सिंध से और बलोचिस्तान से निकलता है, पेट्रोल या सॉरी ऑयल और गैस जो है वो सिंध और बलोचिस्तान से निकलती है। आप इस तरह करके बता दें आपका आंसर जो है यहाँ पर कम्प्लीट होता है। लेकिन मैं आपको फिर बता दूँ सवाल जो आपसे किया जा रहा है कि फाइव नेट फाइव रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका हर किसी का मकसद नहीं है। बच्चे क्या करते हैं सिर्फ पाँच रिसोर्सेज के नाम लिख देते और वो समझते हैं हमारा सवाल का आंसर कंप्लीट हो गया, हमने अपना काम पूरा कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल आपका उस वक्त कंप्लीट होगा जब आप सवाल की सही तरीके से नॉलेज हो। आपने लिख दिया भाई नेचुरल रिसोर्सेज में मेज कुर्सी मोबाइल, इसको आपने नेचुरल में डाल दिया भाई, सारी चीजें आपने डाल को दी। आप इनकी लोकेशन से तो बताओ कि यहाँ गलती कहाँ से है। समझ में आ रही है मेरी बात? हमेशा सवाल का आंसर आपको पूरा देना, वो आपसे भले सवाल आधा पूछ रहे वो आपसे पूछ रहे हैं नेम द रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, असल में आंसर क्या होता है आपने सिर्फ नाम लिख के और अपनी जान चुका ली। नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि नाम के साथ साथ आपको लोकेशन भी बतानी पड़ेगी जब जाके आपका सवाल कम्प्लीट होगा। वो आपसे सवाल आधा पूछ रहे अगर आप आंसर आधा नहीं दोगे आप आंसर पूरा ही दोगे। ठीक है अच्छा भाई हमारे पास एक और सवाल आता है वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। एडवर्ड टेलर को फॉरेस्ट फॉरेस्ट के फवायद बताने आप, ये तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है अक्सर पूछे जाते हैं। फिर एक सवाल आता है फूड क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की गजाई फसलें और पाकिस्तान की नकल आवर फसलों के नाम बताएं। गजाई फसलें बताएं जो पाकिस्तान में खाई जाती है जिससे गजा हासिल होती है, और कैश क्रॉप बताएं जिससे जिसको पाकिस्तान बेच के जराए मुबादला या पैसा कमाए। ठीक है जी, और खाने वाली कौन सी चीजें दालें चावल ठीक है नहीं आटा गंदुम वगैरह जो ये पाकिस्तान की फूड क्रॉप है। कैश क्रॉप कौन सी है कॉटन ठीक है, घर से आओ गन्ना ये पाकिस्तान की कैश क्रॉप फसलें होती है जिसको पाकिस्तान बेच के पैसा कमाता है। ठीक है जी फूड क्रॉप और कैश क्रॉप, फूड क्रॉप मतलब जराई फसलें या खाने वाली फसलें, जराई फसलें कैश क्रॉप मतलब जिससे पाकिस्तान पैसा कमाता है। अच्छा भाई आपके पास कैश क्रॉप का जो पेज नंबर है वो 79 है और फूड क्रॉप उसके बाद ये पेज नंबर 81। ठीक है जितना हमारे पास कैश क्रॉप में आपके पास कॉटन शुगर केन तंबाकू ऑयल सीड बीज वगैरह तेल के बीज, और फूड क्रॉप में वीट गंदुम चावल भुट्टा या आपके पास माइस कॉर्न वगैरह पल्सिन बार्ले वेजिटेबल एंड फूड्स, इससे पाकिस्तान में करते हैं अपने फूड क्रॉप ना लेकर। इस पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर में कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती है, पाकिस्तान के किसानों का अनपढ़ होना या इलिटरेट होना, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर मशीनों का बगैर होना, पाकिस्तान में पौधों की दवाइयां ना होना, पाकिस्तान में अच्छी मिकदार में खाद ना होना, पाकिस्तान की जमीन जो है वो सेबो तोड़ते हो सेबो समझते ना सैलिनिटी जो है सीजन जिसको कहते हैं सीजन आ जाना उससे भी आपका खराब हो जाए, और बीमारियां आ जाना पौधों में ठीक है जी, अच्छे तरीके से पानी ना मिलना, ये भी पाकिस्तान की क्या है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो ठीक है जी। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसानों को सही पैसों में उनकी चीज खत ना खरीद ठीक है जी, ये भी एग्रीकल्चर प्रॉब्लम हो पाकिस्तान। आगे चलिए आगे हमारे पास बेटा
या आपके द्वारा होगा वो गॉड इज पावर रिसोर्सेज, या आपसे पूछा जाता है इन तीनों से किसी एक के ऊपर आप गॉड देंगे, न्यूक्लियर सोर्स, सोलर और हाइड्रो। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर जो पावर होती है उसके जरिए एनर्जी हासिल करना न्यूक्लियर पावर रिसोर्स कहलाता है। सोलर मतलब सूरज के जरिए कि सूरज की रोशनी से आप तवानाई एनर्जी हासिल करें, सोलर रिसोर्सेज कहलाता है। हाइड्रो मतलब पानी के जरिए आप एनर्जी हासिल करें, जैसे पानी में चक्की चल रही होती है उससे बिजली बनती है, हाइड्रो रिसोर्सेज कहलाता है। सोलर के जरिए सोलर पैनल जो होता है उससे सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल होती है, सोलर रिसोर्सेज कहलाता है। न्यूक्लियर एनर्जी से मतलब न्यूक्लियर के एलिमेंट्स होते हैं उसके जरिए वो तवानाई वगैरह निकलती है, एनर्जी निकलती है, उससे एनर्जी मिलती है, उसको हम न्यूक्लियर रिसोर्स। आगे हीटर हो गया। आज हम जो है एक तरफ में आज हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, ठीक है, एक तरफ में आज नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह।